हेलो फ्रेंड्स, आजकल ट्राया का हेयर प्रोडक्ट्स काफ़ी चर्चा में है क्योंकि इसके एड्स कई बार 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 हमें हर जगह देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में कई व्यूअर्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक डिटेल्ड रिव्यू ट्राया का हेयर विटामिन के ऊपर देने के लिए। क्या ये हेयर के लिए बेस्ट टैबलेट हो सकता है? क्या ट्राया का हेयर विटामिन से हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता है? न्यू हेयर रिग्रो हो सकता है? क्या ट्राया का हेयर विटामिन से हेयर सिल्की शाइनी हेल्दी हो सकते हैं? तो चलिए सब कुछ डिटेल्स में फैक्ट्स के साथ जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं मेरे हर एक वीडियो में बताते जाता हूँ कि हेयर को वैसे कई तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, जिनमें से जो मेन न्यूट्रिएंट्स है वो है अमीनो एसिड्स, जो कि प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, देन बायोटीन, देन ओमेगा फैटी एसिड्स, देन जिंक, आयरन, विटामिन सी और विटामिन ई। तो यही न्यूट्रिएंट के साथ मैं ट्राया का हेयर विटामिन के साथ कंपेयर करके देखूंगा कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें है या नहीं है, और है तो कितने मात्रा में, जिससे आप इजीली समझ पाएंगे कि ट्राया का हेयर विटामिन बेस्ट ऑप्शन है या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अमीनो एसिड्स के बारे में, तो ट्राया में बिल्कुल भी अमीनो एसिड्स नहीं है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है हेयर के लिए। ये प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स है, तो हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर मजबूती के लिए बहुत ही जरूरी होता है। देन बायोटीन के बारे में अगर हम बात करें, तो ट्राया का जो मेन वेबसाइट है वहां पर इन्होंने वैसे हेडलाइन में लिखा है कि बायोटीन है, लेकिन इसके न्यूट्रिशनल चार्ट में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि बायोटीन है या नहीं है, कितने मात्रा में, कुछ भी मेंशन नहीं है। फिर मैंने सोचा अमेजोन वगैरह में चेक करके देखते हैं, तो अमेजोन पे है, न्यूट्रिशनल चार्ट में मेंशन है कि इसमें 12 माइक्रोग्राम बायोटीन है। तो ये एक तरीके से मिसगाइडिंग है, कॉन्ट्राडिक्टिंग है कि जो मेन पेज है वहां पर मेंशन नहीं है और यहाँ पर मेंशन है। एनीवेज, अमेजोन के हिसाब से बात मानकर चलते हैं कि इसमें 12 माइक्रोग्राम बायोटीन है, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में है। आप सोचिए, अगर आपके सर पे बाल है या नहीं है, आप अगर गंजे हैं फिर भी पूरे शरीर को, नेल्स, स्किन, ओवरऑल शरीर को डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से 40 माइक्रोग्राम बायोटीन चाहिए होता है। और अब अगर आपके लॉन्ग हेयर है, जितना हेयर लॉन्ग होता जाएगा उस हिसाब से बायोटीन के रिक्वायरमेंट्स बढ़ता जाता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 12 माइक्रोग्राम बहुत ही कम है। देन ओमेगा फैटी एसिड्स के बारे में बात करें, तो इसमें 100 मिलीग्राम ओमेगा फैटी एसिड्स है, जो कि थोड़ा कम है, लेकिन स्टिल एक प्लस पॉइंट ये है कि ज़्यादातर मल्टीविटामिन टैबलेट में ओमेगा फैटी एसिड्स नहीं देते हैं, आपको अलग से खरीदना पड़ता है, उस हिसाब से आपका बजट हिल जाता है। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि आप बायोटीन अलग से ले रहे हैं, ओमेगा अलग से ले रहे हैं, विटामिन अलग से ले रहे हैं, तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप मल्टीविटामिन नहीं ले रहे हैं, आप दवाई ले रहे हैं, आप बीमार पड़ गए, ऐसा फील हो सकता है। तो कॉस्टली भी होता है, तो बेटर होता है कि आप कोई भी एक प्रॉपर मल्टीविटामिन टैबलेट लीजिए जिसमें कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हो प्रॉपर मात्रा में। तो इसमें एक प्लस पॉइंट है कि एटलीस्ट इसमें ओमेगा है। देन बात करते हैं जिंक के बारे में, तो इसमें है 4.8 मिलीग्राम जिंक, डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें है 30% के करीब, जो कि काफ़ी कम है। देन बात करते हैं आयरन के बारे में, तो इसमें है 6.8 मिलीग्राम, डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से 36% है, जो कि काफ़ी कम है। देन बात करते हैं विटामिन सी के बारे में, तो इसमें 16 मिलीग्राम विटामिन सी, जो कि डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से 40% है, काफ़ी कम है। देन बात करते हैं विटामिन ई के बारे में, तो इसमें 4 मिलीग्राम विटामिन ई, डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से 40% है, अगेन इसमें कम है, लेकिन ये चलेगा बिकॉज हम बाकी खाने से विटामिन ई को ले सकते हैं, तो टोटल मिला के डेली का रिक्वायरमेंट जितना 10 मिलीग्राम है वो कंपनसेट हो सकता है, क्योंकि विटामिन ई फैट सॉल्यूबल है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम लेते हैं तो ये वेस्टेज से निकलता नहीं है, फैट में स्टोर हो जाता है, और एक्सेस विटामिन ई के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो थोड़ा कम है तो नो इश्यूज, ये चलता है। तो ओवरऑल अगर हम ट्राया का हेयर विटामिन के बारे में बात करें, तो इसमें अमीनो एसिड्स नहीं है, अमीनो एसिड्स को छोड़कर बाकी सारे जो मेन न्यूट्रिएंट्स है वो तो है, लेकिन कम मात्रा में है। अब मेन सवाल ये आता है कि तो फिर प्रॉपर मल्टीविटामिन के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो मैं तो आपको टुशे वेलनेस का पॉलीचार्ज सजेस्ट करूंगा। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं है, जस्ट आप जानते हैं कि मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करता हूँ, फैक्ट्स के हिसाब से मैं इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा। पॉलीचार्ज के बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें 18 अमीनो एसिड्स मौजूद है, जबकि ट्राय में बिल्कुल भी नहीं है। देन बायोटीन की बात करें, तो पॉलीचार्ज में है 10,000 माइक्रोग्राम बायोटीन, और इसमें है सिर्फ 12 माइक्रोग्राम बायोटीन, तो एक्सेस बायोटीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये फैट सॉल्यूबल नहीं है, ये वाटर सॉल्यूबल है, शरीर को जितना चाहिए वो ले लेता है, बाकी वेस्टेज में निकल जाता है। तो जिनको लॉन्ग हेयर रखना, जिनके हेयर धीरे धीरे लंबे होते जाते हैं, तो वो हेयर फॉल ना हो, हेयर को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले, बायोटीन मिले, इसके लिए फिर 10,000 काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है। देन बात करते हैं ओमेगा फैटी एसिड्स के बारे में, तो फॉलीचार्ज में है 350 मिलीग्राम, और इसमें है
सिर्फ 100 मिलीग्राम, तो आप देख सकते हैं लगभग 3.5 गुना ज्यादा पॉलीचार्ज में है। देन जिंक के बारे में बात करें तो पॉलीचार्ज में है 10 मिलीग्राम जिंक और इसमें है 4.8 मिलीग्राम, दुगने से ज्यादा। देन बात करते हैं आयरन के बारे में, तो पॉलीचार्ज में 14 मिलीग्राम आयरन और ट्राया में है सिर्फ 6.8 मिलीग्राम, तो अगेन आप देख सकते हैं कि दुगने से ज्यादा पॉलीचार्ज में है। देन विटामिन सी के बारे में बात करें तो पॉलीचार्ज में 40 मिलीग्राम विटामिन सी और ट्राया में सिर्फ 16 मिलीग्राम, अगेन आप देख सकते हैं कि पॉलीचार्ज में काफी ज्यादा मात्रा में। देन बात करते हैं विटामिन ई के बारे में, तो पॉलीचार्ज में 5 मिलीग्राम और ट्राया में 4 मिलीग्राम, अगेन पॉलीचार्ज में ज्यादा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ट्राया से कई गुना ज्यादा पॉलीचार्ज में सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अमीनो एसिड्स भी मौजूद है जो कि ट्राया में बिल्कुल भी नहीं है, और बायोटिन का भी डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो पॉलीचार्ज काफी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आपके नजर में और भी कोई मल्टीविटामिन टैबलेट आता है जिनमें कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद है तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। हमें फैक्ट्स के ऊपर जाना है, एक्चुअली हमें कोई प्रमोशन के ऊपर नहीं जाना है। तो अब बात करते हैं डोसेज के ऊपर कि मल्टीविटामिन टैबलेट को कब और कैसे लेना होता है। तो मल्टीविटामिन टैबलेट डेली एक आपको लेना होता है खाना खाने के 20-25 मिनट बाद, चाहे आप ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं, चाहे आप लंच के बाद ले सकते हैं या फिर डिनर के बाद ले सकते हैं। 1 टैबलेट से ज़्यादा आपको नहीं लेना है दिन में, तो आई वुड प्रेफर कि आप रात को डिनर के बाद लीजिए। साइड इफेक्ट्स एज सच कुछ नहीं है क्योंकि ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है और इसके लिए आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि ये कोई मेडिसिन नहीं है, दवाई नहीं है, ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, मींस जो हमें प्रॉपर डाइट खाने से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता, तो ये मल्टीविटामिन से उन न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने का काम करता है। एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि अगर आप सोचते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ मल्टीविटामिन टैबलेट लूंगा और बाकी कुछ भी नहीं करूंगा तो रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल नहीं। आपको मल्टीविटामिन टैबलेट के अलावा ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। आप सोचिए, आप टैबलेट ले लिए, आपके पेट में गया, वहां से हेयर तक कैसे पहुंचेंगे वो न्यूट्रिएंट्स? ब्लड लेके जाता है, राइट? तो उसके लिए ब्लड सर्कुलेशन करवाना बहुत ही जरूरी है, नहीं करवाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और फालतू का जो ब्लेम है मल्टीविटामिन टैबलेट्स के ऊपर जाता है कि मैं 3-4 महीने से ले रहा हूँ, स्टिल मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मल्टीविटामिन टैबलेट्स के अलावा आपको प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन करवाना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। आई होप वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही हेल्पफुल है। स्टिल अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। आप अगर मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जेन्युइन टिप्स के साथ। धन्यवाद।